हाय गाइस, तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल व्हाइट माउंटेन ड्राइव में। आज मैं फिर से एक नई वीडियो लेकर के आ चुका हूँ, जिसमें मैं आज आपको बताने वाला हूँ वाइपर कंट्रोल। जी हाँ, जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा, हमने अपना लाइट की जो ये स्टिक थी इसको हमने कवर कर दिया था, लेकिन हमारी जो लेफ्ट स्टिक थी जो डेडिकेटेड होती है वाइपर के लिए, तो ये हमारी अभी बची हुई थी, जिसे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस, चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो। चैनल की सभी वीडियो प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये फ्री है, और इंस्टेंट अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल व्हाइट माउंटेन ड्राइव में। जैसा कि आप लास्ट वीडियो में देख चुके हो कि लाइट कंट्रोल कैसे वर्क करता है गाड़ी का, तो आप इसके बारे में जान ही चुके हो। तो आज हम कवर अप करने वाले हैं जो अपना वाइपर कंट्रोल रहता है, जो लेफ्ट वाली स्टिक रहती है गाड़ी के अंदर, आज हम इसे कवर अप करने वाले हैं कि इसका क्या काम रहता है और कैसे इसका यूज होता है गाड़ी के अंदर। तो आज एक चीज का हम मौसम का बहुत ही थैंक्स करेंगे यहाँ पे, जैसे कि आपको आवाज भी आ रही होगी वीडियो के अंदर, तो आज काफी बारिश हो रही है यहाँ पे, तो मौसम ने साथ दिया है वाइपर कंट्रोल को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। तो गाइस, इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए और देखिए कैसे वाइपर काम करता है, क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी होती हैं। तो गाइस, चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, अभी जो लेफ्ट स्टिक है कार की, जो स्टीयरिंग के जस्ट लेफ्ट में होता है वो स्टिक आप देख पा रहे हैं अभी, ये डेडिकेटेड होती है आपके वाइपर कंट्रोल के लिए। तो आज गाइस इसी बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इसके मोशंस बता देता हूं कि ये किस किस मोशन में आपका काम करता है। तो गाइस, सबसे पहले देखिए, ये आपका होता है एक मोशन इसका अप, एक तो ऊपर की तरफ इस तरह से काम करता है ये, और एक आपका इस तरह से काम करता है, और डाउन इस तरह से काम करता है, थ्री स्टेप डाउन आता है। दोबारा से रिपीट करता हूँ, एक आपका इस तरह से काम करता है, ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ को पुश करना होगा आपको, एक आपका इस साइड से ऊपर की तरफ, एक इस तरफ को काम करता है इस तरह से, और तीन स्टेप नीचे आता है, एक दो तीन। अब इन सब का यहाँ पे अलग अलग मतलब है, वो आज इस वीडियो हम जानने वाले। तो गाइस, एंड तक इस वीडियो पे बने रहिए, कुछ स्किप मत करना, नहीं तो आप बीच में कुछ ना कुछ पक्का आप छोड़ जाओगे। तो ये काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको, तो ध्यान से इसे जरा देखिए, बिकॉज अगर आपको काफी रेनी डेज या आपका स्नो वाले दिन पे आप ट्रेवल कर रहे हो, अगर आपकी स्नोफॉल हो रहा है या बारिश हो रही है, तो आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, ध्यान में रखनी होगी। बिकॉज हम लोग इसे इग्नोर करते हैं, यार साफ मौसम ये तो काम आएगा नहीं, तो ऐसा नहीं है गाइस, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, क्योंकि बारिश का कोई पता नहीं कब हो जाए। तो आप कुछ देख रहे हैं आपके सामने अभी विंड स्क्रीन है, इसे हम विंड स्क्रीन कहते हैं। तो विंड स्क्रीन के ऊपर अंदर की तरफ को है ये, जो आपको थोड़ा सा दिख रहा है ये फॉग जमा हुआ है यहाँ पे, तो ये अंदर की तरफ को है। इसको साफ करने के लिए, अब आप मैनुअली ऐसे हाथ से देखा होगा आप करते हैं कुछ लोग साफ, तो ऐसे आपको साफ ना करो, आप ड्राइव करते रहो, के लिए आपको गाड़ी के अंदर फीचर दिया जाता है डी फॉगर। तो डी फॉगर आपको कैसे ऑन करना है, वो यहाँ पे आप एसी की तरफ को आओगे, यहाँ पे देखिए फ्रंट लिखा हुआ है और कुछ एरो के साइन भी दे रखे हैं, तो ये आपका है डी फॉगर का साइन। यहाँ से जब इस पे आप प्रेस करोगे तो ये लाइट ऑन हो जाएगी, आपका एसी जो है वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा, ऑन हो जाएगा एसी, और वो आपकी जितनी भी फॉग आपके विंड स्क्रीन पर इकट्ठी हो रखी है वो देखो साफ होती रहेगी। देखिए अभी आपके सामने ये शीशा पूरा का पूरा साफ होने वाला है। तो ये बहुत ही कूल, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अच्छा फीचर है गाड़ी के अंदर। तो ये आई थिंक हर गाड़ी में होना चाहिए, बट होता नहीं है हर गाड़ी के अंदर। तो जो आपके टॉप एंड वेरिएंट आते हैं या आपके जिसमें एसी फिटेड कार आती है, उसी के अंदर आपको ये फीचर दिए जाते हैं। तो ये आपको गाड़ी सिलेक्ट करने से पहले देखना होगा गाइस। तो ये हमारा विंड स्क्रीन हो गया है क्लियर। तो अब आ जाते हैं वाइपर के ऊपर, एसी को ऑफ कर लेते हैं। इसलिए अब हम एक एक करके इस फीचर को एक्सप्लोर करते हैं कि कौन सा फीचर किस लिए काम आता है। तो सबसे पहले देखिए, मैंने आपको बोला था कि एक आपको जब भी वाइपर ऑन करना है, एक तो आपका सबसे पहला ये वाला मोशन हम कवर अप कर लेते हैं। अगर ऊपर की तरफ आप पुश करते हो, ऊपर की तरफ पुश करने से जितनी बार आप इसे इस तरह से पुश करोगे उतनी बार आपका वाइपर ऑन हो जाएगा। वाइपर कैसे ऑन होता है आप एक बार देख लीजिए सामने, ये आपका इस तरह से वाइपर चलता है, ठीक है। अब ये इस बटन के साथ कैसे काम कर रहा है वो भी देख लीजिए, मैं यहां से इसे ऊपर की तरफ को पुश कर रहा हूं,
ये देखिए काम कर रहा है इस तरह से, ठीक है। मैंने एक बार पुश किया तो एक बार वाइपर घूम गया, अब इसके बाद ये वापस नहीं घूमेगा। जितनी बार मैं इस तरह से पुश करूंगा तो उतनी बार ये वाइपर जो है विंडस्क्रीन को साफ करता जाएगा। तो ये होता है जैसे अभी देखो हल्की से यहाँ पे बारिश हो रही है, तो मुझे अभी थोड़ा सा साफ करना है, तो आप इस तरह से इसको साफ कर लो तो आपका हो जाएगा साफ, ठीक है। या आपको लगता है कि कहीं पानी गिर गया थोड़ा सा, तो आप इसको इस तरह से साफ कर लो, ठीक है। अगर आपकी बहुत बारिश हो रही है तो उसका मैं बताता हूँ क्या सोल्यूशन है, कि अगर जैसे आपका ये वाली चीज़ हमने क्लियर कर ली, अब डाउन मोशन इसका क्लियर कर लेते हैं एक बार, थोड़ा फोकस कर लेता हूँ इस पर। अब यहाँ पे देखिए आपका एक मोशन आपका ये वाला हो गया, ठीक है। अब इसमें बेसिकली क्या होता है, मैंने इसको अभी नोटिस करना, मैंने इसको एक बार नीचे कर दिया, ठीक है। तो देखो गाइस क्या हुआ, तो अभी एक बार और घूमेगा, ये देखिए मैंने इस पर कुछ प्रेस नहीं किया था, ये फिर से घूमेगा। तो गाइस इस चीज़ से आपने क्या नोटिस किया, कि इस चीज़ से ये चीज़ होता है कि आपका एक इंटरवल, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद कुछ रुक करके ये आपका वाइपर एक बार आपका जो विंड स्क्रीन को है साफ करता हुआ जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बार साफ कर दिया इसने, फिर रुक जाएगा, फिर आपका कुछ सेकंड 5-6 सेकंड तक रुकेगा, फिर और एक बार साफ करेगा। क्या होता है कि अगर हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, आप इसको एक बार लगा करके रखो, आपकी ज़्यादा डिस्टर्बेंस भी नहीं होगी आंखों के सामने, प्लस आपकी जो आपका बारिश की जो बूंदें आपकी विंड स्क्रीन पे होंगी वो भी आपकी साफ होती जाएंगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर गाइस उससे थोड़ा हम इसको वैसे बेसिकली जो आपका मैंने पहले वाला बताया, देखो इसमें लिखा हुआ है कि ये किस लिए यूज़ होता है, जो ऊपर की तरफ आप पुश करते हो अगर मिस्ट, अगर आपकी विंड स्क्रीन पे हल्की सी मिस्ट इकट्ठा हो गई है, तो ये उस चीज़ को आपको हेल्प करेगा उसे रिमूव करने में एक बार इस तरह से प्रेस करके, ठीक है। तो गाइस उसके बाद हमारे पास आ जाता है, यहाँ पे लिखा गया है ऑफ, तो ये यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इस पोजीशन पे अभी है ये चीज़, ठीक है। अब यहाँ से हम ऊपर करेंगे तो गाइस यहाँ से अगर हम ऊपर करते हैं तो मिस्ट क्लियर होगी, यहाँ से हम नीचे करते हैं इंटरवल पोजीशन पे आ जाता है। इंटरवल का मतलब यहाँ पर है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये चलेगा, उस टाइम का बीच में गैप रहेगा, उसके बाद आपके वाइपर ऑन ऑफ होते रहेंगे। लेकिन अगर आप इसको नीचे की तरफ करते हो तो थोड़ी सी स्पीड आपकी हाई हो जाएगी, जैसा आप देख पा रहे हैं, देखिए साफ कर रहा है इस तरह से इस मोशन में। लेकिन अगर आप इसे हाई पे कर लेते हो, यहाँ पे लो स्पीड पे रखा हुआ है आपने, ठीक है, लेकिन इसके बाद आपको हाई पे अगर कर लेते हो तो ये कुछ इस तरह से साफ करेगा, बहुत ज़्यादा स्पीड में साफ करेगा, और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो गाइज आपको वाइपर ऑन करना तो आ चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो 3 स्टेप डाउन आता है उसका क्या पर्पज़ है। बेसिकली उसका देखिए कोई खास पर्पज़ है नहीं, उसमें आपका जस्ट एक स्पीड कंट्रोल होता है कि आपका अगर आप डाउन करते हो तो एक थोड़ा आपका एक गैप के बाद ये वाइपर आपका घूमता है। जैसे कि अभी मैं आपको बताता हूँ, अभी एक चीज़ आप नोटिस करना, यहाँ से मैं इसे डाउन कर रहा हूँ, देखिए एक स्टेप मैं डाउन कर रहा हूँ, ये एक बार वाइपर घुमा है सामने, ये अभी दूसरी बार घूमा है, सेम गैप के बाद ये वापस घूमेगा, ठीक है। तो आपका कुछ इस तरह से ये वर्क करता है, एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद आपका वाइपर जो है साफ। अगर आपको उस तरह से अपने विंड स्क्रीन को साफ करना है तो आप इस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली ये यूज होता है अगर आपकी हल्की फुल्की सी बारिश हो रही है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, तो आप ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं चाहते हो अपनी आंखों के सामने वाइपर को बार बार मूवमेंट उसकी देखते हुए, तो आप इस पोजीशन पे इसको लगा लो और आपका एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद क्लियर करता जाएगा। इस इंटरवल को कैसे सेट करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो हल्का फुल्का आपको मैनुअल कंट्रोल इसमें दिया गया है। और दूसरी चीज हम यहाँ पे गाइस अब देख लेते हैं कि उसके नीचे लिखा गया है लो, तो लो का मतलब आपका लो स्पीड पे ये वर्क करेगा। अगर हम इसे फॉर एग्जाम्पल 1-2 पे आ जाते हैं तो देखो इसकी स्पीड, तो ये आपकी स्पीड जो है लो है। इसके नीचे 3rd स्टेप है आपका हाई, तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे इस पे लिखा हुआ HI लिखा हुआ हाई, ठीक है। तो अगर हम एक स्टेप इसको और नीचे कर लेते हैं तो आपका जो वाइपर है उसकी स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो आपको उस टाइम पे ये चीज़ काम आएगा, तो आपका जो फटाफट जो पानी है वो आपकी विंड स्क्रीन से क्लीन होता रहेगा। तो गाइस मैक्सिमम टाइम हम एक तो ये चीज़ का इस्तेमाल करते हैं और एक चीज़ हम इस चीज़ का मैक्सिमम इस तरह का इतने का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हाई वाला जो अपना लो तक ही हम मैक्सिमम अगर नॉर्मल अगर डेज में आप देखोगे तो गाइज अगर नॉर्मली बारिश होती है तो हम मिस्ट वाला यूज़ करते हैं मैक्सिमम,
प्लस अपना जो लो स्पीड तक हम जाते हैं इससे ज़्यादा हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती, जब तक कि बहुत ज़्यादा बारिश ना हो जाए। बरसात के मौसम में मैक्सिमम आपका ये यूजेस इसकी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है कई बार, तो वहाँ पे आप इसे यूज़ कर सकते हो। बस आपको ध्यान रखना है कि बारिश का लेवल क्या है, किस हिसाब से बारिश हो रही है, उस हिसाब से आपको ये यूज़ करना है। तो गाइस, अब मैं बताना चाहूँगा आपको कि यहाँ पे एक बटन है आपका ऊपर को दिया हुआ, तो आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। तो गाइस, ये आपका कुछ स्पीड, आपका एक तरह से ये जो वाइपर स्पीड है उसको कंट्रोल करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो वाइपर की, तो वो यहाँ से कंट्रोल होता है। ये सबसे लो स्पीड है, ये सबसे हाई स्पीड है। तो एक डेमो इसका देख लेते हैं हम। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने इसको किया है इनिशियल वाले पोजीशन पे, मैं लेके आ चुका हूँ। जो गैप है, इसका गैप अगर मुझे सेट करना है तो अब देखो आपका ये थोड़ा देरी से घूमेगा, पहले की तरह नहीं घूमेगा। ये देखो अभी देरी से घूमा है, अब थोड़ा जल्दी, अगर इसको थोड़ा जल्दी करना है तो एक स्टेप ऊपर कर दिया मैंने, तो अभी जल्दी से घूमेगा। अब इससे जल्दी घुमाना है और तो एक स्टेप ऊपर कर दिया, अभी थोड़ा जल्दी घूमेगा। ये देखो थोड़ा जल्दी हुआ है, अगर इससे भी थोड़ा और टाइम कम करना है तो इस तरह से कर दो। अभी थोड़ा और हो गया, अगर आपको बहुत ज़्यादा हाई करना है तो इस तरह से कर लो। ये देखो ये है वही इनिशियल पोजीशन पे है अभी ये। तो अगर आप लो पे आओगे तो इसकी भी थोड़ी जितनी स्पीड दी गई है वो आपका उस तरह से वर्क करता रहेगा, और हाई स्पीड आपका हाई की तरह वर्क करता रहेगा। तो आपका जो इनिशियल जो आपका है ना, एक जो सबसे पहला जो स्टेप है उसकी स्पीड कंट्रोल करने के लिए आपको ये चीज़ दी जाती है यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे सेट कर रखा है तो वो इंटरवल ठीक होता है थोड़ा, उसे मैंने अपने हिसाब से उसको सेट कर रखा है। गाइस, अगर आपको इस चीज़ का इंटरवल करना है कम, तो आप इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी गाड़ी के अंदर। तो गाइस, यहाँ पे एक चीज़ और रह गई है बताने के लिए, जिसमें हमने डिस्का अभी मैंने आपको बताया था कि आप इसे ऊपर की तरफ पुश कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस, होता क्या है कि बोनट के ऊपर एक नोज़ल होती है, जैसा कि आप यहाँ पे डेमो वीडियो में देख पा रहे हैं, तो इस नोज़ल से पानी निकल के आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी गाड़ी की जो विंड स्क्रीन है उसके ऊपर आप धूल बहुत ज़्यादा हो गई, बाहर डस्ट हो रही है, हवा लगी हुई है, डस्ट हो रही है, आप ट्रैफिक में जा रहे हो या आप कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे धूल बहुत उड़ रही है, आपकी विंड स्क्रीन को कवर कर दिया उसने, ठीक है, तो आपको साफ़ करना है। थोड़ा गंदी हो गई विंड स्क्रीन या कुछ गिर गया उसके ऊपर, तो आप इसको क्या कर सकते हो, इसको हल्का सा ऊपर की तरफ पुश करिए, तो वो देखो पानी ऊपर निकलता है और वाइपर एक तरह से साफ़ कर देता है उसे। दोबारा से बताता हूँ, यहाँ देखिए, इसको मैंने ऊपर की तरफ पुश करना, ये देखिएगा ऊपर की तरफ पुश किया, वो देखो नोजल से पानी आया शीशे विंड स्क्रीन पे और साफ हो रहा है आपका विंड स्क्रीन इस तरह से पुश करने पे, ठीक है। तो गाइस, इसका ये इंपॉर्टेंस होता है यहाँ पे। इस वीडियो में केवल इतना ही, आज हमने जाना है कि वाइपर कंट्रोल कैसे काम करता है और वाइपर का यूज हमें कैसे करना है। तो गाइस, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको अच्छी लगी होगी इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो गाइज, अगर आपको ये अच्छी लगी है तो गाइज वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। एक सजेशन है, फीडबैक है, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो, उस पर मैं वर्क जरूर करूंगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो वो चीज भी आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो। इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर के साथ, अपने ग्रुप में, अपने इंस्टाग्राम पे, जहां भी आप शेयर करना चाहते हैं इसे, ताकि चैनल को हेल्प मिल जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प हो सके। तो गाइस, मिलते हैं कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन के साथ अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।